ये पॉइंट फिर से समझ लीजिए एक बार। जो हम कन्वर्जन करते हैं बेटा, कन्वर्जन मीन्स होता है चेंज करना, ठीक है। यानी कोई भी एक शेप है हमारे, सपोज स्मॉल स्क्वेयर्स हैं हमारे पास 10, 11, 12 कुछ भी, उनको मेल्ट करके हमने बड़ा स्क्वेयर बना लिया, तो उनकी शेप तो सेम रहेगी बट साइज उनका चेंज हो जाएगा, है ना। और अगर हमने वो मेल्ट करके, कोई भी हमारे पास हीप ऑफ अ वीट है, जैसे गेहूं का ढेर है, वो हमने उसमें ना करके हमने बकेट में कर दिया, तो जो हीप ऑफ अ वीट है यानी कि जो गेहूं का ढेर है, तो वो जो ढेर होता है आपने देखा होगा जो जिस समय गेहूं निकलते हैं ऐसे करके मशीन डालती है, तो वो इस तरीके से बन जाता है बेटा, हीप ऑफ अ वीट। तुमने ऐसे क्वेश्चन करे भी है तो वो किस शेप में होता है? कोनिकल शेप में होता है, ठीक है। देखो इस शेप में होता है वो, तुमने देखा होगा इस टाइप से, ऐसे ऐसे गिरते रहते हैं, इस टाइप से ऐसे गिरते रहते हैं गेहूं, इसको बोलते हैं हीप ऑफ अ वीट। तो ये जो शेप होती है, ये शेप किसके टाइप की होती है? कोन के टाइप की होती है। यहां से मैंने कुछ उठाया और बकेट में भर दिया, कुछ उठाया सिलेंड्रिकल बॉक्स में भर दिया, तो जो शेप है वो चेंज हो गई ना, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अनदर शेप। अब जो आप ये क्वेश्चन करने वाले हो 13.3 के, इसमें इसी टाइप का है कि कोई भी कंटेनर में हमने, सपोज हमने हेमिस्फीयर में कुछ ले लिया और वो हेमिस्फीयर में लेकर हमने उसको सिलेंड्रिकल शेप में डाल दिया, किसी भी सिलेंड्रिकल कंटेनर में हमने डाल दिया, उसकी हाइट पूछ ली आपसे, उसके रेडियस पूछ ली आपसे, ठीक है ना, रिजल्टिंग हाइट पूछ ली, रिजल्टिंग सरफेस एरिया पूछ लिया, रेडियस पूछ ली, तो उसमें एक स्मॉल आर और एक स्मॉल कैपिटल आर, इस टाइप से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। तो ये आपका 13.3 में है एक्सरसाइज, ठीक है। पीछे की कोई प्रॉब्लम किसी की हो तो आप पूछ लीजिए। आप में से जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं बेटा, अगर 13.1 और 2 में अभी भी कोई किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम 13.3 शुरू करेंगे। मैम 13.2 हाँ बोलो बेटा, जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6, चलिए एक बार फिर से करा देती हूँ, देखो ध्यान से। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। हाँ बोलो बोलो बेटा, अरे बोलो ना, किस बच्चे की प्रॉब्लम है ये? किस बच्चे की प्रॉब्लम है बेटा, क्यों नहीं बोलते हो अभी? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका बेटा? व्हाट इज योर नेम? मैम दिव्यांशी। तो कैसे बोलते हैं आप, ऐसे मरी मरी सी क्यों बोल रही हो? आपको देखिए तो मुझे भी बहुत नीरसता सी आ रही है। मैम ऐसे बोलो जैसे मैं बोल रही हूँ। कैसे, मम्मी ने नाश्ता नहीं दिया अभी है? अच्छा चलो ठीक है। देखिए ध्यान से, ये एक सिलेंडर है बेटा, पहले मैं आप ही की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। देखिए अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप पूछ नहीं पाती हैं, आपका नेट ही नहीं चलता। ये सिलेंडर है, समझिए ध्यान से बेटा, शेप समझो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 220 मीटर सेंटीमीटर के बराबर है, यहां से यहां तक, ठीक है। इसी के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, ये कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, इसकी हाइट कुछ भी दे रखी है आपको, यहां से यहां तक। ये रेडियस अलग गिवन है और ये रेडियस आपकी अलग गिवन है। यहां से यहां तक ये डायमीटर है तो आप हाफ करके रेडियस निकाल लोगे, ऐसे यहां से यहां तक ये डायमीटर है तो हाफ करके आप इसकी रेडियस बना लोगे, ठीक है। अब आपसे वो क्या पूछा है, देखिए ध्यान से। विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये कितनी है? 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया? 60। डायमीटर डबल होता है ना रेडियस का, 4 नहीं 16, ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहा है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिक्स क्वेश्चन पूछा ना आपने। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम मास। यानी पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बताओ? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि पूरा। तो क्या आ जाएगा, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, वही पाई आर स्क्वायर एच, वो आप अलग अलग ले लीजिएगा। रेडियस इसके भी डिफरेंट है, हाइट यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे रेडियस डिफरेंट है, हाइट यहाँ पर भी डिफरेंट है।
आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड करने पर आपको क्या आएगा, वॉल्यूम आपके पास आएगा, उसको 8 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मास। ये था, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई बेटा, आप अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है आपको कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब खेल लो, पेज नंबर 251 खोलो, एक्सरसाइज 13.3। चलिए आप में से कोई रीडिंग लगाओ बेटा, पढ़ो बहुत ध्यान से। हाँ देखिए, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्ट अरेजिया कास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6। यानी कि क्या है, स्फीयर की रेडियस है आपके पास 4.2, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। और इसको चेंज करके किसने कर दिया, शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। चेंज हो गई ना बेटा, क्या था आपके पास स्फीयर था, उसको चेंज करके किसने कर दिया गया है, सिलेंडर में। तो क्या होगा हमारे पास, क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्या होगा, समझो इधर देखिए, सब लोग बोलते क्या आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही आना चाहिए कि नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, आप बोल बोल कर करेंगे क्वेश्चंस बेटा, अपने घर पे भी जितनी बार भी आपके फॉर्मूले जा रहे हैं आप बोल बोल के लिख लिख के करोगे, आइडिया से नहीं करना आपको, जब आप बोल के करोगे तो आपको डर जाएंगे फॉर्मूले। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसको ऐसे ले लीजिए, आर में ले लो चाहे कैपिटल ले लो, वो आप कैसे भी अपनी कन्वीनियंस से चेंज कर सकते हो। देखिए पाई से पाई खत्म कर दो, ठीक है ना, हाइट आपको वो निकलवा रहा है, एच ले लीजिए आप, यहाँ पे चेंज करो 4/3, रेडियस ऑफ स्फीयर कितने है, 4.2 × 4.2 × 4.2 इज इक्वल टू, इसमें रेडियस कितनी थी सिलेंडर की, 6 × 6 × h, ठीक। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 3 कहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या पहुंचेगा आप में से बेटा ये बताइए, इस टाइप की कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 = 6 × 6 × 3 × h। आप इसको बेटा डायरेक्ट कर सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप और बना रही हूँ, आपको इतना मालूम है, सब बच्चों को कैलकुलेशन आती है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जो हमारा यहाँ मल्टीप्लाई है वो कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंचेगा, वो डिवाइड में, है ना। जब आप हाइट निकालोगे तो 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 3, तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ो, चलो आयुषी आप पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। हाँ अगे ना चेंज होके, देखिए इसमें क्या करना है आपको, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6, 8 and 10 आर मेल्ट टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, यानी कि छोटी छोटी स्फीयर्स हैं उनको मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बना दिया गया, तो क्या चेंज हुआ उसमें, वॉल्यूम क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, रेडियस। देखिए छोटे छोटे सपोज जस्ट लाइक कंचे, उनको मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बना दिया, आपको कुछ भी बड़ा इतना बड़ा गोला बना दिया गया है, स्फीयर बना दिया गया है, तो क्या चेंज हुई उसकी, रेडियस, है ना। देखिए आप लिखो, लेट आर वन इज इक्वल टू 6, ऐसे ले लीजिए, लेट आर वन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोलना बेटा, नेक्स्ट बोलो आर टू 8 and 10, आर टू 8 and r3 10 centimeters, एंड रिजल्टिंग रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर हमने कैपिटल मान लिया आर, तो क्या होगा बेटा, हाँ आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आना चाहिए, आपने बोला, आप में से कोई बोलो बेटा, आप में से कोई बोलो क्या आना चाहिए, हेलो गौरी बंसल,
हाँ बोलो बोलो शाबाश। हाँ वॉल्यूम ऑफ मैम वॉल्यूम ऑफ मैटेरियल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड सिलेंडर इज अरे थर्ड सॉरी स्पेयर सिलेंडर स्पेयर स्पेयर सर स्पेयर सिलेंडर वॉल्यूम सिलेंडर कौन सा है। हाँ आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। सिलेंडर नहीं है वो वॉल्यूम वो है स्पेयर बेटा। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर भी आप लिख सकते हो बेटा और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्मॉल स्पेयर ठीक है। तो क्या होगा 4/3 πr³ = 4/3 πr₁³ प्लस 4/3 πr²³ प्लस 4/3 πr³³ ठीक है। और जब कैलकुलेशन करोगे बेटा तो कैलकुलेशन को शॉर्ट में आप कर सकते हो कैसे। हाँ इसमें से हाँ 4/3 π आप कॉमन ले लीजिए बेटा r³ ठीक है। यहाँ पे भी 4/3 π कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा आपके पास r₁³ प्लस r₂³ प्लस r³। एक बात को और ध्यान रखिए सपोज अगर ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में आता है सपोज ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आपको इतनी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूले सब रटे हुए होने चाहिए आप डायरेक्ट वन लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे आपको मालूम है रिजल्टिंग क्यूब क्या है हमारे पास 4/3 πr³ तो हमें कैपिटल आर ही तो फाइंड आउट करनी है इसमें से। इनको सबको क्यूब कर दो ऐड करके एक 1 मार्क्स में आपको इतना ही देना बस ठीक है। बस ज्यादा देर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इससे इसको कैंसिल कर दीजिए r³। अब आप इसमें जोड़ दो कितना था 6 था ना 6 था ना पर तो कितना हुआ 2/6 सेकंड कितना कौन सा था 8 का कितना हुआ 8/2 5/2 है 5/2 5/2 5/2 100,000 इनको ऐड कर लीजिएगा आप क्यूब रूट निकाल मेरे ख्याल से 1728 आएगा आप एक बार चेक कर लेना और 12 आ जाएगा इसका क्यूब रूट आता है ना क्यूब रूट आपको यहाँ से जब आप हटाओगे बेटा तो ये क्यूब यहाँ पर लग जाएगा क्यूब रूट है 12 आंसर आ रहा होगा इसका आप लोग चेक कर लेना बाद में। चलिए नेक्स्ट देखो बता दो चलो पढ़ो बेटा ये बारी है आप पढ़िए। देखिए अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। पहले आप इसकी लैंग्वेज समझो बेटा आपने इसमें क्या है कि कोई यानी कि 20 मीटर डीप 20 मीटर गहरा आपको हमको कोई गड्ढा खोदना है जस्ट लाइक वेल कुआ ठीक है। तो आपको मैंने आपसे पहले वाली उसमें लेक्चर में भी बताया था बेटा जब हम डेप्थ के क्वेश्चन करते हैं तो हम उसमें लिखते क्या है डेप्थ बट हम कैलकुलेशन में क्या करते हैं उसको क्या काउंट करते हैं वेल को हाइट ठीक है। लिखेंगे हम डेप्थ और काउंट किस में करेंगे हाइट में करेंगे है ना। अब क्या है 20 मीटर गहरा गड्ढा खुदा है और उसकी जो मिट्टी निकली है उसके चारों तरफ उसमें क्या बना दिया गया है प्लेटफॉर्म बना दिया गया है समझ रहे हो ना। देखो ध्यान से देखिए अब वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर नहीं ये थर्ड क्वेश्चन था ना 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर लिखो रेडियस ऑफ वेल कितनी हो जाएगी 3.5 मीटर है ना कुआं है तो मीटर में ही होगा और डेप्थ कितनी है 20 मीटर डेप्थ यानी कि इसकी गहराई डेप्थ ऑफ वेल इज इक्वल टू 20 मीटर तो ये हमारी क्या हो गई हाइट ये हो गई हमारी रेडियस ठीक है ना। हाइट हमको फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ वेल इज इक्वल टू एच ले लीजिए ये हमें फाइंड आउट करनी है ठीक। अच्छा आप देखो यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म बना है बेटा देखेंगे जिमली स्प्रेड आउट टू प्लेटफॉर्म 22 मीटर 40 मीटर अब ये जो प्लेटफॉर्म है तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा एल बी एच ठीक है ना।
यानी कि नहीं इसमें क्या निकलवा रहा है वो डीप वेल, हाँ हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये नहीं निकलवा रहा बेटा, ये तो हमारी यही आ जाएगी, हाइट हमें प्लेटफॉर्म की निकालनी है, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये आप ले लीजिए हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू एच मीटर। अब आप लिखो वॉल्यूम ऑफ वेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल में ब्रैकेट में लिखिए सिलेंड्रिकल, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा सिलेंडर, सिलेंड्रिकल ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच। अब आपके पास क्या नहीं है, केवल हाइट ही तो नहीं है, ठीक है ना, रख लीजिए 22/7, रेडियस इसमें गिवन थी आपके पास 3.5 × 3.5, हाइट जो है वो हम क्या लेंगे इसमें डेप्थ 20 मीटर, एल इंटू बी आपको गिवन है, हाँ 22 × 14, और ये क्या आ जाएगी आपके पास एच, ठीक है, जो हमें एज्यूम करेगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक, इसमें कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 7 की मल्टीप्लाई कहाँ, या तो इसको यहीं काट दो, देखो ये कट जाएगा 0.5 टाइम्स, और हाइट जब आप निकालोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 22 × 0.5 × 3.5 × 20 / 22 × 40, कर लोगे ना, आगे आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ो, पढ़ो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अभी मैं आगे एक दो की कैलकुलेशन करवाऊंगी आपसे। हाँ देखिए समझिए बेटा, पहले ध्यान से, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर डेप्थ 14 मीटर डीप, यानी डायमीटर है, लिखो डायमीटर ऑफ द वेल, डायमीटर ऑफ द वेल 3 मीटर, तो रेडियस चेंज कर लीजिए, रेडियस ऑफ वेल कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी होगी 1.5। ठीक, नेक्स्ट पूछा है 14 मीटर डेप्थ, तो डेप्थ ऑफ द वेल कितना है 14 मीटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइट, हाइट ऐसे लिख लिया करो, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलिए, यस मैम, इसमें हम रेडियस 3/2 भी रख सकते हैं, हाँ 3/2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अर्थ टेकन आउट, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू द फॉर्म ऑफ एन एम्बैकमेंट। अब ये सेंटेंस समझिए ध्यान से क्या है, आपने एक चीज देखी होगी बेटा, समझो ध्यान से, जब हमने आपने ऐसे गांव में देखा होगा, सपोज अगर कहीं पर कुआं है तो देखने को बहुत कम मिलते हैं कुएं, कुआं है तो कुएं की मिट्टी खोदी और उसके चारों तरफ को मुंडेरी सी बना देते हैं, देखिए आपने जैसे कुआं है सपोज, ये सपोज जैसे देखिए ये है और इसके चारों, ये जब मिट्टी खोदी तो इसके चारों तरफ हमने ऐसे मुंडेरी सी बना दी, उसको बोलते हैं एम्बैकमेंट, तो उसकी रेडियस क्या होगी बेटा, रेडियस ऑफ द वेल विद एम्बैकमेंट क्या हो जाएगा, उसमें जो उसकी जो किनारा है वो उसमें ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो, उसका जो किनारा है वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें आप लिखो एक बार रेडियस, भाई ये तो ले लीजिए आप आर वन और इसको ले लीजिए आर टू, ऐसे ले लो, ये आर वन ले लीजिए, इसको आर टू ले लीजिए, रेडियस ऑफ, बस यही पॉइंट इसमें समझने का है, रेडियस ऑफ वेल विद एम्बैकमेंट, विद एम्बैकमेंट कितनी हो जाएगी, 4 है ये, कितना दे रखा है आपको ये बता, 4 मीटर, और वो है आपके पास 4+ ये कितनी थी 3/2, ऐसे समझो, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, तो कितनी बनेगी ये 11/2 मीटर, समझ रहे हो ना ये बात, ये पॉइंट एक बार ध्यान से समझिएगा,
और वो बन के क्या बन गया, सर्कुलर रिंग बन गई। सर्कुलर रिंग समझ रहे हो ना, यानी क्या होगा ये ऐसे ऐसे क्या होगा, सर्कुलर रिंग बन गया यानी कि एक सर्कल ऐसे बन जाएगा आपके पास। जब कुएं की मिट्टी हुई और उसको चारों तरफ से ऐसे उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिया गया है सर्कुलर रिंग में, तो वो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, सर्कुलर रिंग। ठीक है, अब रेडियस इसमें दो बनेंगे आपके पास, रेडियस ऑफ वेल विद एम्बैकमेंट यानी कि 4 + 3/2, 3/2 कहां से है, वो यही है 1.5, आप 1.5 भी ऐड कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन में जैसे आपको इजी हो आप वैसे कैलकुलेशन ले सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 meter टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। क्या आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए बताओ, अब आगे क्या करूं मैं, क्या आना चाहिए, चलिए बोलो क्या आना चाहिए, जल्दी सोच के बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आना चाहिए, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं पहले मैं लैंग्वेज लिखवाती हूँ, आप लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल